नंगे क्यों है आप? गर्मी लग रही है? आ गया। कैसे रही आपकी ट्रैकिंग यहाँ तक? और टोपी आपने बहुत अच्छी लगाई है, तो बहुत अच्छे फूल। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो गाइस, आज की जो ट्रैकिंग है हमारी देवानी सेवा सरोवर के लिए है, तो सभी साथीगण हमारे साथ जा रहे हैं और देवता साहब भी जा रहे हैं। तो अपने भाई लोग फिलहाल मेरे साथ अभी जो जा रहे हैं। हाय करो। हाय। और बाप जी, ये हमारे बाप जी, हाय करो। ठीक ठाक है आप? क्यों हंसी छूट रही आपको? अच्छा, बड़े खुश लग रहे हैं। आज देवते के साथ ट्रैकिंग करते हैं। और टार्जन हमारे साथ, देख रहे हैं आप पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो बाकी हम कंटिन्यू ब्लॉग रखेंगे, ऐसे मौसम में ऐसी बारिश में कैसी रहेगी हमारी ट्रैकिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बागीपुल जो है 4 किलोमीटर है, यहाँ से पीछे जो है 5 किलोमीटर। तो टोटल यहाँ से क्या बोलते हैं टिकरगंज से बागीपुल 9 किलोमीटर है, वहाँ से ऊपर जो है डिम्बाड़ी 9 किलोमीटर है। तो हमने लगभग कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर जो है सफ़र कर लिया अभी तक। तो अभी जो है हमारे को 4 किलोमीटर और जाना है, उससे आगे जो हमारे को जो आपको ऊपर वाली चोटी दिख रही है उसमें जाना है हमारे को, जो सामने वाली ऊपर चोटी, फिर ऊपर हाइट में चढ़ना है हमारे को। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो श्रीखंड यात्रा जो चली थी 2 दिन के लिए जो बंद कर ली है, 2-3 दिन, तो सभी लोग जो है वापस आ रहे हैं। तो ऐसी यात्रा में ना जाएं जहाँ आपके लिए खतरा है, तो इससे अच्छा तो है घर के लिए वापस जाएं। तो सभी लोग जो वापस जा रहे हैं, जो है खुद की सेफ्टी जो है पहले ज़रूरी है। देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियाँ जो है श्रीखंड से सारी वापस आ रही है। तो एक गाड़ी अंदर को चला रहा था, यहाँ देख कहाँ गाड़ी से लाई, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पता नहीं चल रहा पहाड़ों के रोड कैसे हैं, जो नीचे के लोग होते हैं ना उनको गाड़ी चलाना नहीं आता, इधर ऐसे फूंक रहा है जैसे कि इसका रोड है। देखो आजा थोड़ा किस प्रकार से ढांके और रोडों में कैसे पत्थर गिरे हैं। बरसात के मौसम में जो है ट्रैकिंग करना मुश्किल होता है। चलो देवता साहिब जिस आशीर्वाद से हम जो है हमारी यात्रा जो है सफल रहे, जो हमारी ट्रैकिंग है एकदम अच्छी रहे। डॉगी भी पीछे पीछे आ रहा है और हम जो है वहाँ से, वहाँ आपको थोड़ा टावर दिख रहे होंगे, वहाँ से हम कम से कम 20 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर ली अभी तक यहाँ तक। सकते ऐसी बरसात में किस तरह से स्लाइड हो रखा है, पूरा का पूरा जो रोड ख़राब हो रखा है, तभी जो है गाड़ी इस रोड में कम चल रही है। सुबह से जो है एक गाड़ी भी नहीं मिली हमारे को, बस एक बंदे ने थोड़ी हेल्प करा रही थी। बाकी 4 किलोमीटर हम गाड़ी में आए थे बस। तो बाकी देख सकते हैं रोड जो है हमारे रोड का हाल क्या हो रखा है, पत्थर ही पत्थर आ रहे रोडों में, संभल के चलना पड़ेगा। डॉगी ने सुबह से दिमाग ख़राब कर दिया है और इसके जो अपने यार दोस्त भी मिल रहे हैं अभी तो आपको मैंने एक दिखाया, कम से कम 10 मिले अभी तक, तो थोड़ा ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा। और ये जो है पेजेंडा गाँव में पहुँच चुके हम, वो देखो लड़ रहे इसके यार दोस्त कम। तो यहाँ से देख सकते आप उट्टू 14 किलोमीटर, शमाणी पता नहीं, बागीपुर 4 किलोमीटर, बागीपुर तो इस साइड को है और उट्टू इस साइड को है और शमाणी पता नहीं कहाँ है, हमारे को इस साइड को जाना है शमाणी। अच्छा ऊपर हमने यहाँ से ऊपर, अब जो है यहाँ जो है मेन रोड था तो यहाँ पे समाप्त था ये। सड़क के जो क्या हाल हो रखे है, तो कुछ लोग जो है अभी भी मशीन के द्वारा जो रोड ठीक कर रहे हैं। तो अब हमारे को इस साइड को जाना है, तो यहाँ पे हमारा अभी जो है लंच होगा, थोड़ा हम जो है रेस्ट करेंगे आधे घंटा, तो उसके बाद फिर और चलना है 2-3 घंटे लगातार ट्रैकिंग और रहेगी फिर हमारी। इस
फाइनली हमारा खाना पीना अभी हो गया है, तो सब लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट की थी। तो खाने के लिए चावल बने थे, दाल बनी थी और छोले बने थे और मीठा हलवा बना था, तो काफ़ी अच्छा खाना बना था यहाँ पे। यहाँ पीछे गांव देख रहे हैं, शमाणी गांव है ना, शमाणी गांव। और यहाँ हमारे जो लंच अभी हुआ था, तो यहाँ से आगे हमारे को जो है अब 3 घंटे का जो ट्रैकिंग है और करनी है। तो यहाँ से जो ऊपर आपको जंगल दिख रहा है, तो काफ़ी जंगल दिख रहा है, तो यहाँ से ऊपर हमारे को ट्रैकिंग करनी है, ऊपर वाली पहाड़ी वाली चोटी, सबसे ऊपर पहाड़ी दिख रही है आपको वहाँ पे। तो अब हमारे को ऐसे रास्ते में जाना पड़ेगा, तो कच्ची सड़क भी अभी जो है ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से ऊपर ऐसे रास्ते देखने को मिलेंगे, मिलवाएंगे। तो ब्लॉग मिस नहीं करना, और अभी आपको देवता साहिब के दर्शन भी देखने मिलेंगे, तो सुबह से नहीं मिले इस ब्लॉग में तो आपको मिले ही नहीं, तो अभी मैं दिखाऊँगा देवता साहिब। तो यहाँ आप देख सकते हैं अरबी की खेती, तो इधर जो है सेब भी लगे हुए, ये देखिए। चलते चलते हम ऐसे जंगल में पहुंच चुके हैं जहाँ पे पशु पक्षियों की जो है काफ़ी सुरीली आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, पीछे सुन सकते हो आप, देख सकते हैं काफ़ी जंगल है। मेरा फ़ोन पर नहीं, ब्लर क्यों मार रहे, ये देखो काफ़ी जंगल है। और जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ते और ज़्यादा ख़राब जो है आ रहे हैं, ऐसे लग रहे जैसे सांप सीढ़ियाँ खेल रहे हैं हम। देख रहे अपने भाई जी पूरे से, आप नंगे क्यों हुए आप, गर्मी लग रही है, इशू आ गया है। तो गाइस देख सकते हैं इनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो कपड़े चेंज किए उन्होंने, देख लो भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता हो। तो यहाँ पे काफी कुछ नया देखने को मिला हमारे को, मैं दिखाऊंगा आपको। वो आपको झरने दिख रहे हैं, वो देखो कितना प्यारा से झरना है, और कुछ पुराने घर कुछ है। देखो हमारे छाते हैं, हमने पूरी सुविधा रखी अपने बैग में, खाने पीने का सामान हमारे बैग में है, कपड़े चेंज करने के लिए है, कमले हैं, पानी के लिए बोतलें रखी हमने, ये देखो। और ये भी हमारे साथ ट्रैकिंग में साथ दे रहे हैं, हाई करो। गर्मी लग रही है आपको, आपके तो पूरा पसीना आ गया चेहरे पे, गर्म जैकेट पहना था, गर्म रहना चाहिए। हाँ टोपी आपकी अच्छी है, बहुत प्यारी टोपी है, कुड़ू टोपी, हाँ बहुत अच्छी है। तो कुछ लोग हमारे को यहाँ पे ट्रैकिंग में मिल चुके हैं, जो हमारे साथ ट्रैकिंग में आए हैं, तो सभी साथी उनके साथ हम लोग अब साथ साथ जाएंगे। तो कुछ आप घर देख रहे हैं, पुराने जो घर है, पुराने ज़माने के कुछ घर, और ये जो रखा है घास गाय के लिए, कुछ ऐसा रखा है पुराना घास, तो हमारी लैंग्वेज में टोली बोलते हैं, और खुंडा है ना, खुंडा। और देख सकते हैं व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे जो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और उस साइड का जो व्यू देख रहे हैं आप, कितना प्यारा सा है। कौन सा एरिया है? अच्छा, जो आपको पार गांव दिख रहा है, ये अपना एरिया है डमेड़ी गांव। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, और देखो सामने, यहाँ से हम बिल्कुल पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं यहाँ तक, और ये अपना जो साइड का प्यारा सा व्यू देख रहे आप अभी। कितनी अच्छी जो है यहाँ पर बात बोली गई है कि वन को बचाओ, तभी तो अपने जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो हर जगह वहाँ पे पेड़ पौधे दिखते हैं आपको, तो जहाँ भी आप जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो सब लोग जो है पेड़ पौधे की जो सुरक्षा करते हैं, तो देख ही रहे होंगे आप कैसे बड़े बड़े विशाल पेड़ जो है आपको आसपास दिख रहे होंगे। तो डॉगी भी यहाँ पे रुक चुका है, हाय करो, हाय करो, ठीक ठाक आप? थक चुके आप भी? रुके अभी रेस्ट के लिए, और कुछ लोग वहाँ भी बैठे हैं, और कुछ कपड़े चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको गर्मी लग रही है, तो कुछ जो कपड़े उतार रहे हैं, तो डॉगी कुछ बीड़ी भी डाल रहे हैं, इसको थोड़ी मस्ती जैसी चढ़ी हुई है, देख रहे आप। तो कुछ लोग जो है यहाँ पे अभी जो है रेस्ट करने बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग आगे पहुँच चुके हैं ऐसे जंगलों के बीच जो है ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो सभी लोगों ने अब अपने बैग में जो है अपना स्टे का जो सामान है सभी लोगों ने डाला है। सभी लोगों ने जो घास फेंका हुआ है, देखो मैं भी फेंकता हूँ, माना जाता है यहाँ पे गाय आती है, गाय के जो खाने के काम आता है, तो यहाँ पे छोड़ दिया जाता है घास, तो सभी लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू मेरे को दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ मेरे को अच्छा व्यू दिख रहा है, तो मैं वो शूट कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पेड़ किसने गिराया हुआ, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ खुद गिरे होंगे, और नीचे से सभी लोग भी आ रहे हैं, और ये सूखा हुआ पेड़, और ऐसा लग रहा है जैसे हम हमने सामने पहुंच चुके हैं दूसरी वाली चोटी के सामने, शायद अब 5 मिनट का रास्ता और रह गया, उसके बाद जस्ट हम जो हमने सोचा था कि यार 2 घंटे की 2.5 घंटे का रास्ता था, तो फिर हम पहुंच चुके हैं, 5 मिनट है,
और उसके बाद भी और भी जाना है, कम से कम आधे घंटा और लगता बोला, तो देखते हैं क्या क्या होगा आगे। फाइनली हम लोग जो है देवता जी के पास पहुंच चुके हैं, तो यहाँ सभी लोग जो है अभी रुके, यहाँ सभी जो है रेस्ट करेंगे। यहाँ से परे जो है आधे घंटे का सफ़र और रहेगा हमारा, तो देख सकते हैं कि काफ़ी जनसंख्या में जो लोग अभी आप देख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा जो अभी लोग पीछे हैं, और कुछ लोग जो कल भी आएंगे। और ये अपने भाई जी आए करो, तो कैसी रही आपकी ट्रैकिंग? और ये संजू, और ठीक है आई, तो कैसी रही आपकी ट्रैकिंग? तो कैसा लगा आपको चल के इतनी जो हमने अब यहाँ तक? बहुत अच्छा लगा। तो पैर में दर्द नहीं हो रहा? नहीं नहीं बढ़िया, एकदम रिलैक्स। और हाँ जी, ये जो है अपने भाई लोग डुमेड़ी गाँव से हैं, जो देवते ये देख सकते हैं आप सभी जो है खुश हो रखे हैं, देवते साहब के पूरा समर्थक दे रहे हैं। और ये हमारे अपने भाई जान जो है अपने गांव के ही है। तो कैसे ठीक ठाक आप? कैसी रही आपकी ट्रैकिंग यहाँ तक? आपकी कैसी रही? शानदार। कुछ थकाव? कुछ कोई थकाव? सभी लोग जो है खुश लग रहे हैं चेहरे से, कोई ऐसे ही नहीं हालत। हाँ, तो अभी आपको जो है यहाँ से आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा पार्ट में। हाँ, अभी आधे घंटे तक यहाँ से आगे और जाना है। गांव आएंगे बढ़िया, और व्यू आप अभी से देख सकते हैं कितना जो है हरियाली चारों तरफ दिख रही है, और ऊंची ऊंची चोटियाँ दिख रही है, वो कुछ बर्फीली चोटियाँ दिख रही है, और आसमान भी ऐसे ही साफ हो रहा है धीरे धीरे। तो बाकी मिलते रहेंगे इन्हीं सभी लोगों के साथ, मिलते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे नई नई कुछ आबादी आपको। ये हमारे स्पेशल गेस्ट है मामा श्री जो, और टोपी आपने बहुत अच्छी लगाई है, तो बहुत अच्छे फूल जो है इसमें लग भी रहे हैं, बहुत प्यारी टोपी है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो पूरी तैयारी शारी के साथ जो है सभी लोगों ने छाता छूते लाए हैं, देख सकते हैं आप। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। और कुछ लोगों ने तो उनके कोट भी डाले हुए, देख सकते हैं आप। क्या बढ़िया था गुरु। और कुछ लोगों ने तो बड़ी वीआईपी टोपी लगाई है, और ये देख सकते हैं वाद्य यंत्र आप। और कुछ लोग जो है फोटो ले रहे हैं, सभी जो है हर कैसी छाए हुए हैं, और लोग जो है बहुत अच्छे फोटो ले रहे हैं, कोई सो सो के। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और भाई जान अपने अभी तक बिजी थे, थोड़ा उनसे पूछते हैं कि कैसी रही आपकी ट्रैकिंग यहाँ तक? जबरदस्त। कोई आपको थकाव महसूस? देवते के साथ तो बहुत मजा आता चलने में, क्यों? तो देख सकते हैं सभी लोग जो है रेस्ट करने, अभी फिलहाल पानी पुनी पी रहे हैं। म्यूजिक। Oh,
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा सा व्यू आपको दिख रहा है। तो काफ़ी जनसंख्या में आप यहाँ पे काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो देख सकते हैं कि पूरी जो पहाड़ी है तो लोगों से भर चुकी है। तो गाइस अभी हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं, तो इतनी प्यारी है और इतनी हरियाली है, मैं आपको दिखा लूँ। देख सकते हैं कि उस साइड को कितनी जो है, इस साइड को जो हरियाली है, उस साइड को देखो कितने पेड़ पौधे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो मेरा मन यहाँ से ऐसा कर रहा है कि यहीं पे मैं रह लूँ, कितनी अच्छी जगह है। तो मेरे को बहुत प्यारी जो है यहाँ का प्लेस लग रहा है। तो व्यू देखने वाला है, देख सकते हैं कि चारों तरफ हर एक पहाड़ी दिख रही है। यहाँ पे हमारा इलाका जो बिल्कुल सामने दिख रहा है आपको वाला, वो देखो सामने काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। तो बाकी अपने भाई लोगों से पूछते कितना अच्छा व्यू यहाँ का लग रहा है। तो ये हमारे भाई जी जो अभी कैमरे के सामने पहले आ रहे, गजब बेइज्जती है थोड़ा कैमरे के सामने शर्मा रहे। कोई ना, इनसे पूछ लेते हैं, किसने बताना, किसी ने नहीं तो कोई बात नहीं। क्या गुंडा बनेगा रे तू, शर्म लगती है कुछ लोगों को, नहीं तो सबसे तो नहीं पूछ सकते, जिस जिसको नहीं लगती है तो उनसे पूछ ही सकते हैं। तो बाकी चलते हैं, देवता जी भी आगे पहुंच चुके हैं, तो मन तो नहीं कर रहा। हाय हाय, इतना सुकून, पर थोड़ा यहाँ अंधेरा जैसा हो गया, तो फोटो भी नहीं ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते अब। तो बाकी चलते हैं, तो कुछ पत्थर आप देख सकते हो ऊपर नीचे, थोड़ा संभल के चलना पड़ता भाई जान। क्यों अब मैं ना पहाड़ी, दिल से पहाड़ी। तो अभी आप देख सकते हैं कि पानी पीने के लिए किस तरह से यहाँ बनाया है, तो ये इसीलिए बनाया है ताकि इसमें पशु भी पानी पिए। तो हम भी यहाँ का पानी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, अभी तक पानी नहीं पिया। तो भाई जी हमारे पानी पी रहे, पूछते हैं उनसे कि यहाँ का पानी कितना टेस्टी है। भाई जी कितना टेस्टी पानी यहाँ का? Nice. यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा ठंडा है। अच्छा टेस्टी है क्यों? और बहुत ही टेस्टी है। मेरे को अच्छा ये लगा, देखो कितना प्यारा लकड़ी का बनाया है ना। हाँ जी बिल्कुल, तभी बनाया हुआ, इसमें पशु जो है पानी पिए क्यों? हाँ जी बहुत अच्छा पानी है। तो मैं भी बोतल में भर लेता हूँ, देखो। चलो आप ही भर लो बोतल, मैं भी फिर पी लूँगा। कोई ना, चलो बाकी मिलते हैं। अब बहुत लंबा व्लॉग बन गया शायद मेरे ख्याल से। यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा है, बहुत ठंडा है और बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। तो देखने में सुंदर ही लग रहा है, ये नीचे भी सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे कोई गंदगी भी नहीं है। देखना जब ये जाते हैं नदी नाले में तो कैसी गंदगी होती है, तो यहाँ देखो कितना साफ सुथरा है, थोड़ा घास लगा है, तो बाकी ये तो नेचुरल चीज़ें हैं। तो बाकी पानी बहुत अच्छा पीने के लिए।